पुणे के फैशन स्ट्रीट में लगी भयानक आग, लगभग 450 दुकानें जलकर हुई राख, व्यापारियों का हुआ करोड़ों का नुकसान। भाई कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 26 मार्च को पुणे के कैंप परिसर में फैशन स्ट्रीट है। यहाँ पर कई सारी कपड़ों की दुकानें, इलेक्ट्रिक सामानों की दुकानें, अलग अलग विभिन्न ऐसी कई दुकानें यहाँ पर हैं। सैकड़ों की तादाद में ये दुकानें, मगर शुक्रवार रात 9:30 बजे के करीब यहाँ अचानक आग लग गई। इस आग के संबंध में स्थानीय फायर ब्रिगेड के अधिकारी शरद रिनपिसे ने मीडिया को बताया कि 9:30 बजे के करीब ही फोन आ गया कि यहाँ आग लगी हुई है, लेकिन हमारे पहुँचने तक आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते वो तेजी से चारों ओर फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए 16 गाड़ियाँ, 50 फायर फाइटर जवान और 10 अधिकारी मुस्तैदी से जुटे हुए थे। रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब इस आग पर काबू पाया गया। बता दें कि यहाँ पर शुक्रवार को व्यापारी जो है वीकेंड के हिसाब से ज्यादा माल लाते हैं, लाखों की तादाद में हर दुकानदार का माल होता है, तो इनका नुकसान जो है वो करोड़ों में आंका जा रहा है। आग कैसे लगी, किस तरह से लगी, इस पर अब तक कोई निश्चित खुलासा सामने नहीं आया है। वहीं दुकानदार और व्यापारी वर्ग अब सरकार की तरफ जो है मदद की टकटकी लगाए हुए कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद अगर फिर से अपना कारोबार खड़ा करना है तो उन्हें सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, ऐसा इन फैशन स्ट्रीट के तमाम व्यापारियों का कहना है। हम लोग वहाँ से वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करो।
गया।